अब आपको जैन चौधरी का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने किस तरीके से कंगना रनावत पर जमकर टीका प्रहार किया और शामली जिले में जब वो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे तो किस तरीके से उन्होंने कंगना रनावत की फिल्म ना देखने का लोगों से आह्वान कर डाला। देखिए जैन चौधरी ने कैसे कंगना रनावत की फिल्म ना देखने का लोगों से आह्वान कर दिया। मुंबई वाले बैठी हैं कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं आ रहा। भाइयों पहले उनकी फिल्म देखी हो माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, जो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपने पता है ये वही लोग हैं जो शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है, एक उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है सारा, वही भाषा। कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुंबई वाले बैठी हैं कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं आ रहा। भाइयों पहले उनकी फिल्म देखी हो माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, जो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपने पता है ये वही लोग हैं जो शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है, एक उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है सारा, वही भाषा। कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।